झरोखा चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं और आज हम अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से उसका चैप्टर 14 अध्याय 14 कार्यालय लेखन और प्रक्रिया ले रहे हैं और इसे प्रश्नोत्तर शैली में तैयार किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रश्न पहला। पहला प्रश्न, सरकारी कार्यालयों में किसी भी विषय पर विचार करने के लिए कौन सी व्यवस्था होती है? तो इसका उत्तर है कि सरकारी कार्यालयों में किसी भी विषय पर विचार करने के लिए वहां फाइल व्यवस्था होती है। जिस विषय की फाइल होती है उसमें उससे संबंधित जो भी प्रस्ताव हो, पत्र हो, दूसरे लोगों अथवा कार्यालयों से जो पत्र प्राप्त होते हैं उनको फाइल में दाहिनी ओर रखा जाता है, राइट हैंड साइड। और इसी तरह किसी विषय या प्रस्ताव पर विचार करने के लिए जो टिप्पणियां लिखी जाती हैं या जो मंतव्य प्रकट किया जाता है उन्हें फाइल की बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड रखा जाता है। अब प्रश्न दूसरा, सरकारी पत्र किस श्रेणी में आते हैं? उत्तर है, सरकारी पत्र औपचारिक श्रेणी में आते हैं, औपचारिक यानी फॉर्मल। प्रश्न तीसरा है, सरकारी पत्रों के शीर्ष पर क्या लिखा होता है? शीर्ष यानी टॉप पर, ऊपर। उत्तर है, सरकारी पत्रों के शीर्ष पर कार्यालय, विभाग या मंत्रालय का पता लिखा होता है। और अब प्रश्न चौथा, सरकारी पत्रों में फाइल संख्या किस तरफ लिखी जाती है? उत्तर है, सरकारी पत्रों में फाइल संख्या बाईं तरफ लिखी जाती है। इससे यह पता चलता है कि पत्र किस विभाग द्वारा किस विषय पर और कब लिखा गया है। प्रश्न पांचवा, पत्र के बाईं तरफ और क्या लिखा जाता है? उत्तर है, पत्र के बाईं तरफ जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका नाम और पता लिखा जाता है। प्रश्न छठवां है, सरकारी पत्रों में विषय के अंतर्गत क्या लिखा जाता है? उत्तर है, सरकारी पत्रों में विषय के अंतर्गत संक्षेप में यह लिखा जाता है कि पत्र किस प्रयोजन के लिए अथवा किस संदर्भ में लिखा जा रहा है। प्रश्न सातवां, पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? उत्तर है, पत्र की भाषा बिल्कुल सरल और सहज होनी चाहिए और किसी शब्द का बिल्कुल ठीक सटीक अर्थ निकले इसके लिए जो प्रशासनिक शब्दावली तैयार की गई है सरकार के द्वारा और सभी कार्यालयों में वो शब्दावली की पुस्तक रहती है उसमें जिस शब्द का प्रयोग किया गया हो उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न आठवां, सरकारी कार्यालयों के पत्रों में की गई टिप्पणी किसे कहते हैं? उत्तर है, सरकारी कार्यालयों के पत्रों में किसी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण के निपटाने के लिए उस पर जो राय, मंतव्य, आदेश या निर्देश दिया जाता है उसे ही टिप्पणी कहते हैं। और अब आते हैं प्रश्न नौवें पर, स्मरण पत्र किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, जब किसी पत्र अथवा ज्ञापन का उत्तर समय पर कार्यालय को प्राप्त नहीं होता तो फिर से उसकी याद दिलाने के लिए जो दूसरा पत्र लिखा जाता है उसे ही स्मरण पत्र या अनुस्मारक पत्र कहा जाता है। अब आते हैं प्रश्न दसवें पर, औपचारिक पत्र की तुलना में अर्ध सरकारी पत्र की क्या विशेषता होती है? उत्तर है, औपचारिक पत्र की तुलना में अर्ध सरकारी पत्र में अनौपचारिकता होती है, इसमें मैत्री का भाव भी होता है। प्रश्न ग्यारहवां, अर्ध सरकारी पत्र कब लिखे जाते हैं? उत्तर है, अर्ध सरकारी पत्र तब लिखे जाते हैं जब
पत्र लिखने वाला संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से जानता हो। अर्थात मैं यहाँ मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में बैठा हूँ, एक अफसर हूँ, एक अधिकारी हूँ, और मुझे कोई पत्र दिल्ली के अपने ही विभाग के किसी बड़े अफसर को लिखना है, परंतु मैं उन्हें पहले से व्यक्तिगत रूप से मेरी पहचान है, जानता हूँ, तब फिर अर्ध सरकारी पत्र लिखा जाएगा, अन्यथा सरकारी पत्र पूरी तरह औपचारिक होता है और उसे लिखा जाता है। प्रश्न 12वां, कार्य सूची किसे कहते हैं? कार्य सूची इन्हें अंग्रेजी में जैसे एजेंडा कहते हैं, वो प्रश्न है ये। उत्तर है, किसी सरकारी बैठक के लिए कार्यों की जो सूची बनाई जाती है उसे ही कार्य सूची कहते हैं। बैठक होने वाली है, उस बैठक में किन किन बातों पर विचार होना है, तो उसकी पहले से एक सूची तैयार होती है। बैठक में आने वाले सभी लोगों को वो सूची पहले से दी जाती है और उसी पर चर्चा होती है, इसलिए इसे कार्य सूची कहते हैं। 13वां प्रश्न है, कार्य वृत्ति किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, सरकारी बैठक में कौन से अधिकारी उपस्थित थे और कार्य सूची के अनुसार क्या क्या निर्णय लिए गए, इसका लेखा जोखा ही कार्य वृत्ति कहलाता है। अब प्रश्न 14वां, प्रेस विज्ञप्ति किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है कि सरकारी विभागों के द्वारा अपनी बैठकों में जो निर्णय लिए जाते हैं उनको समाचार पत्रों में प्रकाशन करने के लिए एक सूचना तैयार की जाती है। ये सूचना समाचार पत्रों को भेजी जाती है, इस सूचना को ही प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। और अब आखिरी प्रश्न है 15वां, परिपत्र किसे कहते हैं? उत्तर है, सरकारी विभागों की उच्च स्तरीय बैठकों में लिए गए निर्णयों की जानकारी देने के लिए उसके अधीन आने वाले सभी कार्यालयों को जो पत्र भेजा जाता है उसे परिपत्र कहते हैं। अब एक बैठक हुई, एजेंडा के अनुसार सब्जेक्ट पे बातचीत हुई और जो फैसले हुए तो उसके अंतर्गत अधीन नीचे के जो कार्यालय हैं, प्रदेश स्तर पर बैठक हुई है तो जिले को, जिले वाले ब्लॉक को जो सूचनाएं भेजेंगे कि भाई ये फैसला हुआ, काम इस तरह से किया जाना है, तो वो जो चिट्ठी भेजी जाएगी वही परिपत्र कहलाता है। तो यह था कार्यालय लेखन और प्रक्रिया पर आधारित प्रश्नोत्तरों वाला एपिसोड। कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।